पहली बार नागरिकता संशोधन कानून पर बोले सलमान खान। नमस्कार, सलमान खान की फिल्म दबंग 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन सलमान खान के स्टारडम को देखते हुए इस फिल्म के भारी कलेक्शन की उम्मीद लगाई जा रही थी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 रिलीज होते ही कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे व्यापक विरोध की वजह से कलेक्शन पर असर पड़ा है। CAA के विरोध की वजह से दबंग 3 के कलेक्शन में पड़े असर को लेकर सलमान खान का बयान सामने आया है। आइए आपको बताते हैं आखिर इस बारे में सलमान खान ने क्या कहा है। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान ने दबंग 3 के कलेक्शन को लेकर कहा है कि बॉक्स ऑफिस से ज्यादा फैंस की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। सलमान खान ने कहा, उत्तर भारत में धारा 144 लगाई थी और इसकी वजह से कलेक्शन कम हुआ है, लेकिन वो फिल्म देखने के लिए जरूर जाएंगे। मेरा मतलब है, पहले उनकी सुरक्षा जरूरी है और उसके बाद दबंग 3 आती है। वहीं दूसरे राज्यों में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। सलमान खान ने यह भी कहा कि इस वक्त में फिल्म जो कर रही है वो बहुत अच्छा है, इसका पूरा श्रेय फैंस को जाता है। फैंस मेरे लिए लॉयल हैं और वो फिल्म देखने के लिए गए हैं। साथ ही सलमान खान ने दबंग 3 की तारीफ की और फिल्म कास्ट की काम को लेकर सराहना की। कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन 24.50 करोड़, दूसरे दिन 24.75 करोड़, तीसरे दिन 31.90 करोड़ और चौथे दिन 10.70 करोड़ और पांचवें दिन 10.35 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। यह फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन 102.20 करोड़ हो चुका है।